very, very proud of DRDO, which is one of India's great institutions founded by Jawaharlal Nehru in 1950. आप खुद जानते हैं कि कितना राजनीतिकरण कितने मुद्दों का हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, आपने खुद देखा है। और मेरे हिसाब से इस चुनाव में जो असली मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये मैं बार बार कह रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ यही कह रही हूँ। कांग्रेस ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ होंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10 दिन में ये घोषणा कर दी है कि होगा, तो कांग्रेस ब्लफ नहीं करती है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, जो ब्लफ करते हैं वही ये आरोप लगाते हैं। इस चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ठीक ढंग से प्रचार करें, आप घर घर में जाके असलियत बताएं कि ये चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है। इसमें राहुल जी की जीत नहीं, इसमें देश की जीत हो, ये कह रहे हैं। दैट फार्मर्स आर सफरिंग, दे हैव गॉट नो हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। They tell me that they don't even get their seed and fertilizer on time. In some places, the seed is costing them more than their crop. They are in debt. There is nobody to support them and nobody to help them. The issue is that there is huge, gross unemployment. Jobs were promised, they were not given. There are thousands of young people who are unemployed. I see them on every chauraha, I see them on every marketplace. Everywhere I go, when I ask, have you got a job? They say no. The government has not, no government has performed as badly on employment as they have. The economy is in shambles. These are the issues. And these are, I think, the issues that all of you should highlight. कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी अभी अभी मुसाफिर खाना के HN इंटर कॉलेज में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूं और चुनाव न लड़ करके कांग्रेस के पार्टी के लिए काम करती रहूंगी। अगर पार्टी कहती है कि आप चुनाव लड़ें तो मैं कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। कैमरामैन राजशेखर के साथ मैं रमेश त्रिपाठी, डायनामाइट न्यूज, अमेठी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।